नमस्कार दोस्तों, 1980 में मेरी एक किताब आई थी 51 हाउस डिजाइंस, पुस्तक मेल ने छापा था इसे। इसमें हमने तरह तरह के प्लॉट्स के कुछ प्लान्स दिए थे लोगों को, बिल्डिंग बायलॉज को ध्यान में रखते हुए। पुस्तक लिखने का उद्देश्य ये था कि काफी सारे शहरों में आर्किटेक्ट्स नहीं थे, लोग तरसते थे कि कहीं से उनको अच्छा डिजाइन मिल जाए, किसी तरीके से बने बनाए प्लान्स उनको मिल जाए। उस जमाने में नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस के पास कुछ व्यवस्था थी जो उन्होंने विभिन्न प्लॉट साइज के कुछ प्लान्स तैयार कर रखे थे। उस लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैंने तय करा कि कुछ किताबें तैयार की जाएं जिसमें एक आम आदमी को भवन निर्माण के कुछ जानकारी दे दूं। मुझे ऐसा लगता था कि ये किताब, इसके बाद और भी किताबें आईं, ये किताबें जो हैं सिर्फ जनसाधारण खरीदेगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब आर्किटेक्ट्स ने भी इस किताब को खरीदा, सिविल इंजीनियर्स ने खरीदा, ड्राफ्ट्समैन ने खरीदा। हाँ, सिविल इंजीनियर्स ड्राफ्ट्समैन को एक किताब में लिखी हुई इस बात से आपत्ति थी जिसमें मैंने कहा था कि आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत है यानी रजिस्टर्ड। तो लोगों को आपत्ति थी कि ये बात मैंने अपनी किताब में क्यों कही जब म्यूनसिपैलिटीज उनको रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, तो वो तो अपने शहर में अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट्स लगाते हैं। बहरहाल ये मुद्दा कुछ और है। मेरी लगभग 2,00,000 किताबें बिकी और अगर एक किताब को 5 लोगों ने पढ़ा तो समझ लीजिए कि 10,00,000 पाठकों ने यानी 1,000,000 रीडर्स अप्रिशिएटेड माई बुक्स। उस जमाने में तकरीबन 5,000 आर्किटेक्ट्स थे, आज 1,00,000 से ज्यादा है। उस जमाने में जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ गई, भवन निर्माण भी उसी हिसाब से बढ़ गया। ये कुछ किताबें थी, मॉडर्न हाउस प्लान 51 हाउस डिजाइंस, होम डेकोरेशन गाइड। मॉडर्न हाउस प्लान का फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। अब समय की मांग को देखते हुए आर्किटेक्ट आदित्य कमल ने कुछ नई किताबें तैयार की हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं। इस किताब का नाम है लेटेस्ट हाउस डिजाइन। इसी तरीके से एक नई किताब इनकी आई है हाउस प्लान्स के बारे में, और एक किताब है ये वास्तु हैबिटेट। अब मैं समझता हूँ ठीक से देख पा रहे होंगे इसको, ये आदित्य कमल की किताबों का चित्र है और कई लोगों ने फेसबुक पे मेरे से कहा इस बात को कि सर आपने मकान के नक्शों को चीप बना दिया। पुराने जमाने में 20-30 रुपए में आप 50 नक्शे दे देते थे तो आर्किटेक्ट पास कौन जाएगा। आज भी जब एक आर्किटेक्ट की फीस 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 है और आप 150-200 रुपए में उसको 25-30 हाउस प्लान्स दे दोगे, उसके साथ एलिवेशन भी दे दोगे, उसके साथ 3D व्यू भी दे दोगे, तो आर्किटेक्ट की तो मांग खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस ठीक धारणा नहीं है। देखिए, एक आम आदमी को तो ये भी नहीं पता आर्किटेक्ट कौन है, ड्राफ्ट्समैन कौन है, सिविल इंजीनियर कौन है, सर्वेयर कौन है। उसका कारण क्या है? वो अपने शहरों में बैठ के लिख रहे हैं ABC आर्किटेक्ट इंजीनियर्स, ABC आर्किटेक्ट सर्वेयर, ABC आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट एंड वैल्यूअर। अब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का नियम यह है कि आर्किटेक्ट्स अपना विज्ञापन नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन छोटे शहरों में जो ड्राफ्ट्समैन बैठे हैं, जो सिविल इंजीनियर्स बैठे हैं, उन पर कोई रोक नहीं। वो अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, उसमें लिख देते हैं आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती।
ये हाउस प्लान्स की किताब है जिसमें प्लान्स के साथ एलिवेशन हमने दिए हैं, कई सारी चीजें जनसाधारण के लिए, कॉलम बीम्स के बारे में हमने इसमें बताया है किस तरीके से लोड से नहीं कट जाने होता है, बीम्स में कंप्रेशन टेंशन कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार कहाँ जाती है। इसका उद्देश्य आर्किटेक्ट्स का विकल्प तलाशना नहीं है, इसका उद्देश्य यही है कि एक आम नागरिक को जो अपना घर बनाना चाहता है उसको कुछ जानकारी मिल जाए। अब वास्तु के ऊपर ढेरों किताबें हैं जो वास्तु पंडितों ने लिखी है जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनको ना बिल्डिंग बायलॉज का पता है ना कॉलम बीम का पता है, उसी को ध्यान में रखते हुए वास्तु आर्किटेक्ट किताब आदित्य कमल ने और हमने तैयार की है मिलकर, जिसमें वास्तु के जो मूल सिद्धांत है वो बताए गए हैं, प्लान्स के बारे में दिखाया गया है और यह समझाने की कोशिश की है कि वास्तु जो है एक तरह का क्लाइमेटोलॉजी का ही हिस्सा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग अनक्वालिफाइड या सेमी क्वालिफाइड लोगों के पास जाते क्यों हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उन लोगों को आर्किटेक्ट की परिभाषा नहीं मालूम। अब ये उनको कौन बताएगा? आर्किटेक्ट्स के पास वो पहुंच नहीं पा रहे, सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन छोटे छोटे शहरों में कस्बों में टाउन्स में काम कर रहे हैं। इन किताबें तैयार करने का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही था कि ना सिर्फ किताबों के माध्यम से जनसाधारण को भवन निर्माण की कुछ बारीकियों से हम अवगत करा दें, उसके अलावा उनको यह भी बता दें कि आर्किटेक्ट सेक्ट के हिसाब से सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट ही आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी हर किताब में, हमारी हर किताब में हमने बार बार इस बात पे जोर डाला है कि सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स के पास जाएं, उनसे काम करवाएं, और हर किताब में हमने बताया है कि आर्किटेक्ट सेक्ट के अनुसार कौन लोग हैं जो आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आर्किटेक्ट के पास जाने से ज्यादा बचत हो सकती है। फिर से एक बार मैं एक बात कहूंगा कि ये जो हमारी पुस्तकें हैं, मेरी हैं, आदित्य कमल की हैं, जितनी भी किताबें हमने तैयार की हैं, कहीं भी इन किताबों का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग 200-250 रुपए की पुस्तक पढ़ लें, उससे नक्शा, आम भाषा में इसको नक्शा ही बोलते हैं हम लोग, उसको प्लान बोलते हैं, उसमें से नक्शा ढूंढ लें और उसके हिसाब से घर बना लें। दोस्तों, मेरा तो यही निवेदन है और आर्किटेक्ट से भी निवेदन है कि जनता से जुड़े, वीडियोस बनाएं, आम आदमी को बताएं कि आर्किटेक्ट कौन है, सिविल इंजीनियर कौन है, किस तरीके से आर्किटेक्ट्स और सिविल इंजीनियर्स का, आर्किटेक्ट्स और ड्राफ्ट्समैन का, आर्किटेक्ट्स और सर्वेयर्स का काम अलग है। हम उनको बता नहीं पाते। अगर आप YouTube पर जाएं, आप देखेंगे ढेरों वीडियोस ऐसे बने हुए हैं जो सिविल इंजीनियर से डाले हैं, जिसमें कुछ और तो और मिस्त्रियों ने भी वीडियोस इस तरीके के डाले हैं। अगर आर्किटेक्ट ज्यादा से ज्यादा जनसाधारण से जुड़े, मैगजीन अखबारों में लेख लिखें, YouTube पर वीडियोस डालें, उनको बताएं कि आर्किटेक्ट्स की सेवाएं सिर्फ आर्किटेक्ट दे सकते हैं, दूसरे लोगों के पास आप जाएंगे तो आपको वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा जो आर्किटेक्ट्स आपको दे सकते हैं। इन पुस्तकों का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, इन पुस्तकों का उद्देश्य आर्किटेक्ट्स के समकक्ष अनपढ़ व्यक्ति को खड़ा करना नहीं है। रिमेंबर, नो बुक कैन रिप्लेस आर्किटेक्ट, नो सिविल इंजीनियर कैन रिप्लेस आर्किटेक्ट, नो ड्राफ्ट्समैन कैन रिप्लेस आर्किटेक्ट, नो सर्वेयर कैन रिप्लेस आर्किटेक्ट। कोई पुस्तक आर्किटेक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती। पुस्तकों का उद्देश्य जनसाधारण को आर्किटेक्ट्स के बारे में जानकारी देना है, भवन निर्माण के बारे में जानकारी देना है। अगर इसी आशय से इन पुस्तकों का आप अवलोकन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भवन निर्माण पे लिखी पुस्तकों से किस तरीके से ना सिर्फ हम जनसाधारण को लाभ पहुंचा सकते हैं
बल्कि उनको ऑर्किड्स के बारे में भी अवगत करा सकते हैं। नमस्कार।